ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश ने किया यातायात पुलिस कर्मियों का सम्मान। नवीन कुमार शर्मा को बेस्ट यातायात पुलिस कर्मी 2019 का सम्मान दिया गया। मथुरा ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा मथुरा महानगर के नए बस स्टैंड के बस स्टॉप पर सम्मान समारोह आयोजित किया। सम्मान समारोह में मथुरा महानगर में बढ़ती हुई जाम की समस्या से यातायात पुलिस कर्मियों के लिए द्वारा सराहनीय प्रयास से यातायात के लिए सबसे व्यस्तम क्षेत्र नए बस स्टैंड पर आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए आज एक उप निरीक्षक राजपाल सिंह, कांस्टेबल रविंद्र सिंह, होमगार्ड मान सिंह, होमगार्ड मिथिलेश तिवारी के साथ जनपद मथुरा के साथ 2019 बेस्ट यातायात पुलिस कर्मी के रूप में नवीन कुमार शर्मा को ट्रॉफी देते हुए दुपट्टा पहनाकर सम्मानित सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश विनोद दीक्षित ने कहा कि हमारी समिति ऐसे लोगों को समय समय पर सम्मानित करती रहती है जो यातायात पुलिस कर्मी अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ महानगर को जाम निजात दिलाने में के लिए कार्य करते हैं, जिनको समिति के द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। गत वर्ष 2018 में हमारी समिति के द्वारा 3 सम्मान समारोह रखे गए थे। इस साल का हमारा ये पहला कार्यक्रम है। हम लोग लगातार ऐसे पुलिस कर्मियों को सम्मान करते रहेंगे जिन्होंने अपने प्रयास से जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ अलग कार्य किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष व नगर निगम वार्ड नंबर 66 की स्थानीय पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा ने कहा कि हम लोग जब भी यहाँ से निकलते हैं पहले से अब नए स्टैंड पर जाम बहुत कम लगता है। इन प्रयास के लिए हम लोग आज यातायात पुलिस कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपने सराहनीय कार्य से इस क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाई है। क्या नाम है आपको, क्या योग्य है? जी, मैं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, साथ ही इसी वार्ड की वार्ड नंबर 66 की पार्षद भी हूँ। हम पिछले बहुत समय से देख रहे थे कि हमारे इस वाले क्षेत्र में जो नए बस स्टैंड पर है जाम की समस्या बहुत आम हो रही थी, जिससे कि बहुत समय लोगों का बर्बाद होता था। लेकिन अभी कुछ समय से, कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ कि जाम की समस्या में बहुत कमी आई है, जिसका श्रेय पूरा पूरा मैं सोचती हूँ कि ये जो ट्रैफिक जो पुलिस है उसको जाता है। तो ये वो बंदे हैं जिनको हम देखते हैं धूप हो चाहे बारिश हो, ये अपने काम में बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो इन्हीं लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आज हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम रखा, इन्हीं के सम्मान का, जिसके लिए ये वाकई में डिजर्व करते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि जिस तत्परता से ये लोग काम कर रहे हैं उसी तत्परता से आगे भी करते रहें, जिससे कि जो लोगों को होने वाली परेशानियाँ हैं उसमें दिन प्रतिदिन और कमी आए। देखिए, हम मेरा नाम विनोद दीक्षित है और मैं इस टीम का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से, हमारी समिति है ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति, जो कि सड़क हादसों को लेकर काम कर रही है। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्राउंड जीरो पे पुलिसकर्मी काम करते हैं उनकी वजह से ही हम लोग जाम से बच पाते हैं, उनका सम्मान बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसी लिए हम लोगों ने आज प्रयास किया है छोटा सा, और ये शुरुआत है। हम लोग जैसे भी चौराहे पर जाएंगे उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि इनका सम्मान इतना ज़रूरी है कि आदमी 8 घंटे लगातार काम करता है, 12-12 घंटे, क्योंकि VIP मथुरा है, VIP ड्यूटी यहाँ पे ज़्यादातर चलती है और लोगों को रेस्ट कम मिल पाता है, लगातार ड्यूटी करते हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम लोग इस तरह के लोगों का सम्मान कर रहे हैं आज। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मंजू शर्मा है। जैसे मेरे को विनोद दीक्षित जी ने इस कार्य से जोड़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है कि इस काम से इतनी संतुष्टि मिलती है। जो मतलब जो मेहनत करने वाले लोग हैं, आज हम लोगों ने, हमें विनोद जी के हिसाब से हमें सम्मानित करने को मिला है, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा। और जब से हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो लग रहा है कहीं ना कहीं तो हमारी जो मेहनत है काम कर रही है।